हेलो बच्चों, जिस खबर का हम सब इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वो खबर फाइनली आ गई। तो अप्रैल और मई जो है, जेई मेन आप नहीं दे पाए थे, इसको गवर्नमेंट ने अब फाइनली अनाउंस कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट आर द अपडेट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो एग्ज़ाम यहाँ पे अप्रैल में नहीं हुए थे, वो अब जुलाई 20 से 25 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जेई मेन की, ठीक है। इसके बाद जो मई का अटेम्प्ट था, वो एग्ज़ाम अब रीशेड्यूल करके जुलाई 27 से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बीच में कराया जाने वाला है। और जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहें, वो जेई मेन की ये वेबसाइट है, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, jeimain.nta.nic.in। ठीक, इसमें जो है अप्रैल सेशन के लिए एप्लीकेशन की डेट, ये ध्यान रखनी है, अप्रैल सेशन के लिए एप्लीकेशन की डेट जुलाई 6 से 8 के बीच में है, और मई सेशन के लिए एप्लीकेशन की डेट जो है वो जुलाई 9 से जुलाई 12 के बीच में है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, खास तौर से समय जो है वो एकदम निकला जा रहा है, और जल्दी से जल्दी आप इसमें अप्लाई कर लें। ठीक है, इसमें खासियत हो रही है कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम सेंटर भी अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से बदल सकते हैं। तो पहले आपने, हो सकता है कि कुछ और भरा हो सेंटर के तौर पर, अब आप सेंटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन है कि कितने बच्चे जो हैं कितने रजिस्टर हो चुके हैं। तो ऑलरेडी 6.8 लाख स्टूडेंट्स जेई मेन अप्रैल 2021 के लिए रजिस्टर हो चुके थे, और मई सेशन के लिए 6.09 कैंडिडेट जो है, लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर हो चुके थे। ठीक, तो सभी बच्चों को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, आपको अच्छा करना है, तो बिल्कुल जो है कड़ा जो है मेहनत के साथ जो है एकदम आप एग्जाम में अपियर होइए और बेस्ट स्कोर अपना लाइए। ठीक है, और उसके बाद सभी बच्चे जो है जेई एडवांस के लिए तैयारी करना चालू कर दें, और एडवांस के लिए सभी को एक बार हमारी ओर से शुभकामनाएं न्यूक्लियन परिवार की ओर से। धन्यवाद।